हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है नया दिन, नया ब्लॉग। आज है 15th रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आधे रमज़ान हो गए। हम एक्चुअली सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब ईद आने वाली है और स्पेशली लेडीज़ शॉपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सही वक्त पे ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ के सूट भी सिलने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और इस बार ऐसा है कि 2 साल के बाद पूरे फुल फ्लेज सारे मार्केट खुले हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस बार मैं भी इन लोगों के साथ जा रहा हूँ कि चलो मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। हमेशा इनको शिकायत रहती है ना कि मैं लेडीज़ शॉपिंग में नहीं जाता हूँ, तो मैंने कहा चलो आज अम्मी वगैरह के सूट लेने, आज मैं भी चलता हूँ। इनकी शिकायतें जो है वो हम दूर कर देते हैं। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ रेडी। और आज कुछ तो मैंने थोड़ा सा ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, जब मैं बांधता हूँ हमेशा ऐसे मैंने बांधा, और आज मैंने टी शर्ट, डेनिम और शूज़ के साथ ही डाला है, कुर्ते के साथ में। पता नहीं कैसा लग रहा है, आप बताइएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ तो चलो चलते हैं। चले कहाँ जा रही हो? कपड़े लेने। आज मैं भी चल रहा हूँ। अभी तैयारी से आज आए हैं, तैयारी से आए हैं सब। चलो तुम लोग वहाँ पे आ जाओ। अम्मी 2 साल के बाद जा रहे थे शॉपिंग करने के। हाँ, 2 साल के बाद। 2 साल से तो सब बंद था, सब सुमड़ी में आते थे सूट्स। क्यों नहीं? इस सच में दिल से खुशी हो रही है, मतलब इतनी मतलब निकलने की, हाँ, जाने की। ईद ऐसा त्योहार है कि अच्छा लगता है। और ये मुंबई की मेट्रो फाइनली 4-5 सालों के बाद शुरू हो गई है। अभी कई जगहों पे शुरू नहीं है, लेकिन कुछ रूट में चालू हो गई है। तो ये रही बाय द वे मैडम, मुबारक हो। अम्मी इसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स और बढ़ गए, 28 लाख हो गए। 28 होने वाले थे, बट अभी हम लोग ऑन द वे हैं लोकंडवाला के लिए, तो अभी रास्ते में देखा 28 लाख हो गए। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। हमें ट्रीट चाहिए। आप खाने वाले बनो ना अम्मी, आप खाने वाले बनो, हम ट्रीट दे देंगे। बताओ क्या खाओगे? अरे खाना तो खाना तो एक बहाना है, हमें घुमाने लेके चलो। अच्छा ठीक है चलो। इतने जैसे 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 रिजा रेहान ने ताज मांगा था, मैं भी सोचता हूँ। हाँ, सोचो मैं जा, आप बोलो है ना। हाँ, इस बार हम भी चले। हाँ चलेगा। नहीं ताज तो आपको ले जाने वाली जगह, वहाँ का खाना आपको बहुत पसंद आएगा, कभी लेके चलेंगे शोएब इंशाल्लाह। फिलहाल तो हम चलते हैं मिलो खंडवाला। नहीं इस बार आप सिलेक्ट करोगे ना, बोर कैसे होगे। अच्छा क्या हैं सर, बढ़िया। वो देखो देखो, हमसे पहले पहुंच गए। तो आप लोग दूसरी मर्सिडीज देखी और क्या लें अप्पा जी? ये रहे अप्पा जी। ये सारे तो पूरे भाई के। हाल चाल ठीक? हाँ चल। पैर कैसा है? बैठो मम्मी, आप भी बैठने। नहीं नहीं भैया आप लोग देखो, मैं बोर हो जाऊंगा तो हमने उनको काम पकड़ा लिया। मैं अभी एक कोना पकड़ के यहाँ बैठ जाऊंगा। आप भी बैठोगे कोना पकड़ के। शुरुआत अम्मी से। चूज कराएगा ना? अरे मैं अम्मी को पहले पसंद करने। वैसे भी फिर आप बोलते हो कि अरे अच्छा नहीं लग रहा, बोलते हैं ना पहनने पे। एक आपका चॉइस का। हाँ। पहले अम्मी को पूछो कि अम्मी शॉर्टलिस्ट कर लो, वरना फिर अम्मी बाद में बोलती हैं शानू की पसंद थी तो हमने ले लिया। शानू एक कलर ये है और एक कलर ये है। अलग ये देखो, अम्मी वाले टिश्यू जैसे दुपट्टे नहीं चाहिए? थोड़ी देर ओढ़ लेना, डार्क कलर ले लो तो नहीं दिखेगा, एक बार ट्राई कर लो। देखो मैं ईद के सूट आप वैसे भी हैवी रोज तो पहनती नहीं हूँ, शाम को जब ऊपर आते हैं तो 2-4 घंटे के लिए ही अम्मी वो डालती है। मतलब वो ये कह रही है कि ऐसा कपड़ा नहीं ओढ़ूंगी, है ना? येलो वाला, येलो सबको अच्छा लग रहा है। भाई भोपाल में कहता था और चमक वाला लो, शाइन वाला लो, ईद पे शाइन वाला। वही बोलने वाला, बोलो और ऑप्शन। अच्छा
अलग हटके शाइन चमक दमक दूध की ज्यादा कोई नहीं बड़ी किनारी नहीं है ऐसे ओढ़ने पे नहीं दिखते हमें अच्छे लगते हैं सर आप ये रोज कहाँ पहनोगी ईद में तो पहनोगी उसके बाद तो पता नहीं फिर कहाँ चार साल के लिए आप दबा के रख दोगी पर ऐसा सेम अम्मी के लिए हो चुका है सिर्फ वो फैब्रिक कलर था कलर भी ये था पैटर्न भी ऐसा ऐसा ही था सेम क्योंकि कलर सेम है कपड़ा भी सेम है सिर्फ डिजाइन अलग है उसमें मुझे ये बेटर इससे बेटर ये लग रहा है नहीं तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं तो अम्मी का एक फाइनल हो गया बड़ी जल्दी हो गया फाइनल हो गया अम्मी जो आया बताओ बताओ हां बता हम चढ़ा रहे थे कौन चढ़ा रहा था अम्मी अम्मी चढ़ा रही थी कार में हां तो कौन सा फाइनल किया ये बेटी खाला को पसंद आ रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है भाई ये इसका दुपट्टा बोलो बादल मत बोलना कि शाली को पसंद किया तो ले लिया नहीं नहीं मेरे हैवी नहीं है ना ऐसा कलर शाली को इमेजिन कर रहा हूँ ये कपड़ों में और फिल्टर में वाले जो कल निकाले हैं मैंने तुमने डाला नहीं है डालूंगा आराम से अच्छा लग रहा है ये कौन सा ये तो ये हो गया सब का डन अम्मी का पहले हो चुका है बेटी खाला का हो चुका है अभी तुम्हारी बारी मेरा तो आपने चूज कर लिया ब्लैक और देख लीजिए तो एक बार इतने शराफत में मतलब एक ही ले रहे हो बस तुम लोग सब वो तो चल गया ना वही वही मैंने बोला कि अच्छा आप नए आए हो तो आपको मैं अपडेट कर दूं कि एक यहां से होता है और एक वहां जो सूट मटेरियल होता है विद दुपट्टा एक वहां से होता है अच्छा एक एक सबके हो गए एक ही एक हुए अभी क्यों तो बहुत जल्दी आप 5 बजे भी अगर यहाँ से निकले तो आप घर पहुँच जाओगे नहीं हम 4 बजे निकल रहे हैं पहुँच गए सारी रास्ते में हो जाएगी 5 बजे नहीं 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 हम पिछली बार आए थे हम लोग निकल गए थे 5 संडे तीन घंटे हो गए हैं इनकी शॉपिंग शायद अब ख़त्म हो गई है आपकी है ना तो आपको देखना चाहिए सब ये सब लिया है सब अपना ये सब कैसा लग रहा है तभी तो अप्पा जी बोलते हैं कब आ रहे हो शॉपिंग करने वाह वाह बट ईद है बनता है क्या बनता है ईद आपके पराठे पराठों वो छोटा पीस लो काम छोड़ो फटो आपके कुर्ते का ढेर भी तो ऐसे लगा ले लो मुझसे कुर्ता मैं नहीं ले रहा तुम ऑर्डर तुमने तो ले लिया तो ऑर्डर मैं ऑर्डर मैं मिंत्रा से ऑर्डर आज ही कर अरे अभी आपने मुझे एक टी-शर्ट दी ना अभी आप मेरे बर्थडे के लिए जोड़ के रखो मैं बर्थडे में मांगूंगा आपसे पाँच से ज्यादा नहीं मांगना बर्थडे में नहीं नहीं पाँच बस पाँच से ज्यादा नहीं मांगना उतनी दे पाऊंगी नहीं अम्मी अब लड़की भी कमाने लगी है जो रहती है अब तो बजट बढ़ना चाहिए ना शालू अब पहले अम्मी अम्मी 5 पहले दिया करती थी मुझे अब शालू है अब 6000 कर दो ठीक है ना आज अल्लाह का फजल है मैंने सोचा था कि इस बार 2000 दूंगी ईदी 1000 नहीं दूंगी सोच रही थी तो क्या मतलब हाँ तो मतलब क्या दो की 3 वहाँ हो जाएगी पहले वो 1500 या 2000 दिया करती थी एक मुझे 1000 उनको 2000 मैं तो पहले से 2 लेती हूँ आप अपनी बात करो अब उनकी 3000 तुम्हारे चलो कुछ तो बड़ा उनका दर्जा कभी नहीं मिलेगा उनका दर्जा कभी नहीं मिलेगा जिंदगी अब सूट तो सूट यहाँ अचार भी नहीं छोड़ रही तुम अरे अच्छा लगता है घर जैसा है ना वो वाला ऐड नहीं किया और कौन सा था भाभी हो गया ये दे लिंबू
लूटो अम्मी को लूटो। नहीं, अगर मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से बोला है कि मैं उनकी तरफ से एक सूट ले लूं, हाँ। तो वो बात का फिर बाद में रह ही जाता है, तो मैं अभी अम्मी के सामने एक लूं। कितना अम्मी ने बोला, 6,000-8,000 ना? चुप, नहीं मुझे एक सूट चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। नहीं बात हजार की नहीं है, बात पसंद की है। पसंद की है ना, पसंद। मैं पसंद करना नहीं। हाँ, हाँ पसंद। आप चलो कॉटन सेक्शन में मेरे साथ। पसंद क्या फर्क पड़ता है, आपने कहा था पसंद की बात है। अम्मी इतने सस्ते में नहीं पड़ गई यार। अम्मी बोल रही मेरा दिल नहीं देखा तुमने अभी। सच बात, दे दो हमें, ले लो, चल ले लो। अरे वाह अम्मी, बेटा है, कैसी बात करते हो। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है बच्चों के लिए, अगर माँ के पास है तो, है ना? वो तो है, वो मानता हूँ। मैं पहले बोल चुकी थी कि मैं भाई को घर में कितने औरत नहीं। अब इसी में नींद नहीं आने वाली। बेटे खा लो, नींद नहीं आएगी तुमसे, मांग लो। बेटी का देखो क्या बोल रही है बेटी खाला, बेटी खाला की क्या पता तुमसे जाके घर पे मांग ले। हमने कहा कभी माँ राज नहीं बताती अपने, क्यों बताए राज अपने, तो तुम्हें दे दिए, हमने तुमको गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट दे दिया, बस बर्थडे के लिए तैयार रहना। बर्थडे के लिए क्या, बर्थडे के लिए 5,000 बढ़ा देंगे, 1,000 का बस ठीक, महंगाई के हिसाब से बढ़ा देंगे, क्या करेंगे। चलते हैं घर। देखा 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 आप लोगों ने, अब तो नहीं मिले, अब तो नहीं मिले, चल अब तो नहीं मिले सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए अपाजी, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, जल्दी आइए। चलो अम्मी आ जाओ, चलो। यहाँ आने का मेरा एक फायदा हुआ, मुझे अम्मी ने भर के अपने पैसे जो है वो दे दिए हैं। बस हो गई हम सब की शॉपिंग पूरी खत्म, अच्छे से इनकी शॉपिंग हो गई है, 2 साल के बाद ऐसे करिए अपने को। अच्छी लगी वो साल हुआ, इस बार तो बहुत अच्छा लगा। चलो अभी क्या चलते हैं, इफ्तार का भी टाइम होगा, इफ्तारी करेंगे घर पे। और अभी आ गए हैं हम सब घर, अभी इफ्तारी में 1 घंटा है, और ये आ गए हैं हमारे पीछे उससे अंकित आज़ाद, कल बहुत नाच रहे तुम बेटा, सब स्टोरीज देख रहे थे। तो फटाक से अभी हम एडिट करने की कोशिश करते हैं, अगर एडिट हो गया और अच्छे से निकल गया ठीक ठाक ब्लॉग, तो मैं आज पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं कल पोस्ट करूंगा, लेकिन कोशिश आज की रहेगी। हाल चाल ठीक है, पक्का? हाँ। अरे पापा, अम्मी तो बहुत दिलदार हो गई हैं अब। क्यों? अरे गए थे कपड़े लेने के लिए, अम्मी ने पूरा इतना भरा हुआ बैग अपना, मैंने ले लिया, मैं बोलती रख लो, क्या याद करोगे। वो दिलदार हो गई। लो भाई, नहीं ले लो, ले लो। अरे नहीं नहीं भाई रख लो, नहीं नहीं रख लो, रखो। जितने मुझे नहीं पता, जितने थे उतने हैं, लो जल्दी। सच में रख लो। अरे नहीं मैं क्या करूँगा, रखो जल्दी रखो। नहीं नहीं, अम्मी ने मुझसे एक बात बोली कि रख लो तुम्हारे ही तो हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि है, अम्मी कुछ ऐसा कुछ काम तो करती नहीं है कि अम्मी कमाए, तो अम्मी अपने जोड़ जोड़ के अम्मी इतना करती रहती है, हम मस्ती मजाक करते रहते हैं, बट अम्मी का पैसा मैं क्या करूँगा। तो इसलिए मैंने कि बेटा तुम्हारा ही पैसा है, मेरे पास रहता है, वही चाहे ऐसे लो चाहे वैसे लो, सही बात है, कौन कमाता है। लेकिन बर्थडे में लूटूंगा मैं अम्मी को। बर्थडे में मैं आपको बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, आप मुझे दिलाना। हाँ, है कि नहीं। 27 को है पापा बर्थडे अम्मी का। क्यों, क्या कुछ प्लान कर रहे हो, सरप्राइज प्लान कर रहे हो? गाना सुनाओगे क्या?
क्या देख रही है जी? क्या देख रही है? मिल गए पैसे वापस, खुश हो गए? अभी मुंह बना हुआ था पूरे रास्ते में, देखो हमारा कोई मुंह नहीं बना था, ये झूठ बोल रहा है ये। कोई मुंह नहीं बना था अम्मी का, अम्मी कैमरा बंद होने के बाद भी बोल रही थी तुम रख लो, तुम ऐसे मत समझो अम्मी को, मस्ती मजाक में चलता रहता है, तो कोई मुंह नहीं बना था अम्मी का। और हमने कम से कम 50 बार बोला कि चलो सानू कुर्ता ले लो, चलो 5,000 का कुर्ता ले लो, अम्मी पैसा लेके आई अभी नहीं, नहीं नहीं बहुत कुर्ते बहुत कुर्ते। फिर हमने दीपिका से पूछा बेटा तुम भी कोई ईद में, हम बड़े हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने एक बार में कह दिया हाँ अम्मी हमें दिला दो, हमने उनको दिला दिया। अब इन्होंने पैसे ले लिए, पता नहीं क्या समझ के वापस कर दिया, मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने बताया मैंने क्या समझ के वापस कर दिया, मैंने क्यों वापस कर दिया मैंने बताया, तो बस नहीं अभी नहीं। सी मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इंसान को कहते हैं ना कि जब कभी इंसान के पास ऐसा कोई मौका आए, उसे अपना अपना पासा फेंकने का मौका मिले, तो अच्छे वक्त के लिए वेट करना चाहिए। मैं बर्थडे है, बर्थडे पे मैं वेट कर रहा हूँ ना, बर्थडे में बोलूंगा अम्मी मुझे ये दिला दो, अम्मी दिलाओगी फिर बर्थडे में, तो मैं 5,000 पहले से जोड़े रखूंगी। ये 5-5 मत बोलो बार बार, बर्थडे पे जो मांगूंगा आप दिलाओगी? नहीं, जो मांगूंगा आप दिलाओगी? हाँ, दिला देंगे, आप 5,000 दिला देंगे। आप सबसे अम्मी कमिट कर रही है, जो मांगूंगा वो दिलाएंगे। 5,000 का दिला देंगी। हाँ, वो कमिटमेंट अभी तुम चुप रहा करो, उन्होंने बोला हाँ 5,000 का दिला दूंगी। तुम कह दो 1,00,000 का दिला तो हम कहाँ से पाएंगे? तो हमारे मस्ती मजाक कैसे चलता रहता है और चलता रहेगा। तो फिलहाल आज ये आज का ब्लॉग था, आज मैंने सोचो आज भी डाल दिया क्योंकि निकल गया सबको शॉपिंग कराने के लिए और ईद भी आने वाली है इंशाल्लाह। तो सबकी लेडीज क्या, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक कि नाजा खाला के लिए भी हो गया है और दीपिका की मम्मी और डैड उन सब के लिए भी हो गया है, आई थिंक कोई बचा नहीं है, सबके लिए हो गया है। तो बस अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अम्मी आगे बोल दो, आगे बढ़ा देना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनका हंसी मजाक कीजिए, थोड़ी ये टांग खिंचाई करते ना करिए, अच्छा लगता है, मूड लाइट हो जाता है, मन हल्का जाता है। तो जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।